बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना सीखा। तो बेटा, आज की क्लास में हम जो हैं वो मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाएंगे और हम ये सीखेंगे जनाब कि अगर आपको प्रॉपर डेटा दिया हुआ हो, एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ हो, तो आप उस एक्स और वाई के कॉलम को कैलकुलेटर में फीड करके ना सिर्फ लाइन ऑफ रिग्रेशन वर्कआउट कर सकते हैं बल्कि आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी वर्कआउट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो आज की क्लास में हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और लाइन ऑफ रिग्रेशन को कैलकुलेटर से वर्कआउट करना सीखेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फार्मूला याद ना करें, क्योंकि कैलकुलेटर में आप डेटा फीड करके ये आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने डेटा नहीं दिया बल्कि सम ऑफ एक्स दे दिया, सम ऑफ वाई दे दिया, समेशन एक्स वाई दिया, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, ये इस लास्ट लाइन बतौर अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दी, तो इसका मतलब ये कि एग्जामिनर आपको फार्मूला लगाने पे मजबूर कर रहा है। तो ये आप समझ नहीं सकते कि अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि नहीं सब कुछ कैलकुलेटर से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर आपको फार्मूला लगाने पे मजबूर कर सकता है, इस बात को अच्छी तरह आप समझेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? बेटा बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, प्लीज बताइए। अच्छा जी, अभी आते हैं हम बेटा कहाँ पर, कैलकुलेटर पर, ठीक है। याद है सबको या भूल चुके हैं सब लोग? तो कैलकुलेटर में सबसे पहले काम ये करना है कि शिफ्ट के साथ मोड प्रेस करना है। क्या सबने कैलकुलेटर उठा लिया और शिफ्ट के साथ मोड प्रेस किया? साथ साथ बताइए, क्या सबने कैलकुलेटर उठा लिया और शिफ्ट के साथ मोड प्रेस कर दिया? अच्छा जी, डाउन एरो करना है। और डाउन एरो करने के बाद नंबर फोर स्टेप आपके पास क्या है? नंबर फोर प्रेस करना है, आप स्टेट्स में आ गए। रिग्रेशन और कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कर लेनी है अगर ऑन है तो। सबसे पहला काम ये करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दें। तो मैंने नंबर टू प्रेस किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दी। हो सकता है बहुत सारे केसेस में पहले से ही ऑफ हो, लेकिन फिर भी एहतियात में फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दें। सही है बेटा? तो ये पहला स्टेप मैंने रिग्रेशन और कोरिलेशन के लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी इसलिए किया कि फ्रीक्वेंसी इसमें ऑफ करें। क्या सबने फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दी बेटा? शिफ्ट प्रेस किया, फिर मोड प्रेस किया, फिर डाउन एरो प्रेस किया, फिर ऑप्शन नंबर फोर में गए। अब दो ऑप्शन है, वन ऑन करने का, टू ऑफ करने का। नंबर टू प्रेस किया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हो गई। यस, अच्छा अब क्या करें? मतलब ये मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ करवाई है, अभी मैंने कैलकुलेशन शुरू नहीं की इसकी, रिग्रेशन और कोरिलेशन की। आप मोड प्रेस करें, आप सिर्फ मोड प्रेस करें बगैर शिफ्ट के। जब आपने सिर्फ मोड प्रेस किया बगैर शिफ्ट के, तो अब आपको स्टेट कौन से नंबर पे दिख रहा है बेटा? तो अगर मैं थ्री प्रेस करूं तो मैं स्टेट्स के ऑप्शन में चला जाऊंगा। तो याद होगा आपने सबसे पहले ऑप्शन को आपने इस्तेमाल किया था, वन माइनस वेरिएबल को मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। यस और बोलिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर टू में क्या दिखा लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, यानी लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। क्या कहेंगे आप लोग? तो अब नंबर टू प्रेस करने जा रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं नंबर टू प्रेस करने जाऊंगा तो मुझे दो कॉलम मिल जाएंगे। अगर किसी के पास कोई तीसरा कॉलम शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये उसने अब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं की। अगर किसी के पास कोई तीसरा कॉलम शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ उसने अब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं की। दो कॉलम, हाँ तो मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दें। मैंने ये तो सबसे पहला काम क्या करवाया, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ करवाई। दो कॉलम शो होने चाहिए। क्यों नहीं हो रही? आपने स्टेप ही फॉलो नहीं किया। मैंने बोला शिफ्ट प्रेस करें, आप बाहर आ जाइए, इसको एसी प्रेस करके बाहर आ जाइए। आप सबसे पहले शिफ्ट प्रेस कीजिए।
फिर मोड प्रेस कीजिए और फिर ये डाउन एरो है ना, डाउन एरो प्रेस कीजिए। किया प्रेस डाउन एरो प्रेस किया, ये रहा डाउन एरो। चलें अब आपको स्टेट दिख रहा है, कौन से नंबर पे दिख रहा है बताइए स्टेट। अब आपको स्टेट का ऑप्शन कौन से नंबर पे दिख रहा है, चौथे नंबर पर, तीसरे पे दिख रहा है। चलें थ्री प्रेस करके देखें क्या आता है आंसर, थ्री प्रेस करें, चलें क्या ऑप्शन आया। फोर पे दिख रहा है ना, अच्छा तो बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ करने के लिए आप टू प्रेस कर दें, वन से ऑन हो जाएगी और टू से ऑफ हो जाएगी। ठीक है अब वापस आइए मोड बगैर शिफ्ट के, मोड और नंबर थ्री स्टेट, और स्टेट पे आने के बाद ए प्लस बी एक्स नंबर टू पर। ठीक है बेटा आप सब बच्चों के यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं एक्स और वाई के। नाउ इसको अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो अब करें क्या बेटा, एक्स के कॉलम में एक्स का डेटा फीड कर दें, वाई के कॉलम में वाई का डेटा फीड कर दें। यानी ये कॉलम एक्स है, 100, 150, 200, 300, 300, 400, 450, ठीक है। ये वाई का कॉलम है 30, 35, 50, 60, 70, 85, ये फीड करना है हमें। ठीक है क्या आप मुझे फीड करवाएंगे बेटा ये वैल्यूज, 100 ये एक्स के कॉलम में चला गया, सेकंड वैल्यू क्या थी बताइए, आपके पास रजिस्टर में लिखा होगा डेटा, अगर आप मुझे क्या करते हैं बताएं तो आसानी हो जाएगी। सेकंड वैल्यू 150 है, उसके बाद थर्ड वैल्यू 200, फोर्थ वैल्यू 300, उसके बाद फिफ्थ वैल्यू दोबारा से 300 है, सिक्स्थ वैल्यू 450। अच्छा जनाब अब ये अगर आप कर चुके हैं तो आप जरा इनकी y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बताइए, 100 के सामने y की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है, x टर्नओवर था, y प्रॉफिट था 30, सेकंड प्रॉफिट कितना है, टू हंड्रेड में प्रॉफिट कितना है, 200 पे प्रॉफिट कितना, सेकंड में 35 था प्रॉफिट, टू हंड्रेड 50, अच्छा 300 पे कितना प्रॉफिट है, फोर्थ पॉइंट पर 60, दूसरे वाले 300 पे कितना प्रॉफिट है, 70, और 450 पे कितना प्रॉफिट है, 85। ठीक है बेटा डेटा फीड हो गया सही से, सबने कर लिया फीड साथ साथ, क्या सबने डेटा फीड कर लिया बताइए। चलें ओके अब क्या करें, आप एसी प्रेस किया, बाहर आ गए, शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया स्टेट, ठीक है क्या सबने प्रेस कर दिया, क्या सबने प्रेस कर दिया बेटा बोलिए, चलें ओके। उसके बाद
अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है टाइप डेटा, डेटा प्रेस करेंगे तो वापस डेटा में चले जाएंगे, सम सम मतलब जितनी भी किस्म के सम आ सकते हैं ना वो नंबर 3 पे मौजूद है। तो एक काम करते हैं हम अपने सम्स को वेरीफाई करते हैं, तो मैंने नंबर 3 प्रेस किया, नंबर 3 आपके सामने आ गया। क्या दिख रहा है? नंबर 1 पे समेशन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नंबर 2 पे समेशन एक्स दिख रहा है। काम करते हैं सबसे पहले समेशन एक्स को वेरीफाई करते हैं, एक्स का सम आपके रजिस्टर में लिखा होगा, सब वेरीफाई कर लें। एक्स का सम 1500 है, क्या समेशन एक्स ये आया था? हाँ बेटा, क्या समेशन एक्स ही आया था? देखिए 1500। टाइप के बाद एसी का बटन प्रेस करना है, फिर शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। तो आप शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो आपको मेन्यू मिल जाएगा, उसमें सम लिखा होगा, सम में आए नंबर 3 पर। समेशन एक्स वेरीफाई होगा, देखिए दोबारा देख लीजिए। अब ये मैंने एसी प्रेस कर दिया, अब डेटा आपने फीड करने के बाद बाहर आ गए, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ये शिफ्ट का बटन है, ये प्रेस किया, फिर साथ में 1 का बटन प्रेस किया, तो शिफ्ट और 1 आपके पास ये मेनू खुल गया। इसमें नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, नंबर 3 प्रेस करें, सम आ गया। अब आपके पास सारे सम यहाँ मौजूद हैं, समेशन एक्स स्क्वायर भी है, समेशन एक्स भी है, समेशन वाई स्क्वायर भी है, समेशन वाई भी है, समेशन एक्स वाई भी है। बोलिए, तो जब मैंने 2 प्रेस किया तो 1500 जो है वो समेशन एक्स वेरीफाई हो गया, ये रहा 1500, एक्स के कॉलम का सम आ गया बेटा, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उसके बाद दोबारा से अगर आप शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, दोबारा आपके पास वही मेन्यू आएगा, नंबर 3 में जाएंगे, सम मिल जाएगा। अब समेशन वाई देख लें आप, फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर प्रेस करें और इक्वल टू प्रेस कर दें तो सम ऑफ वाई मिल जाएगा कितना, 330। अब चलें वेरीफाई कर लें, ये रहा सम ऑफ वाई 330। ठीक है, चलें उसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस किया, फिर 1 प्रेस किया, फिर दोबारा कहाँ गए, 3 में गए, और 3 में जाने के बाद आपने नंबर 5 पे देखना है, नंबर 5 पे क्या दिख रहा है आपको, समेशन एक्स वाई। तो अगर आप नंबर 5 प्रेस कर देते हैं और इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो आपको समेशन एक्स वाई मिल जाएगा 95,500। बताइए, ऐसे ही है? वेरीफाई कर लीजिए आप, 95,500। ठीक है जी, फिर अब दोबारा से क्या करेंगे आप, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, आप मेन्यू में जाएंगे दोबारा से, नंबर 3 सम में जाएंगे, और अब आपको समेशन एक्स स्क्वायर वेरीफाई करना है, और समेशन एक्स स्क्वायर को वेरीफाई करने के लिए आप 1 प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आएगा 455,000। ठीक है, अच्छा जी ये देख लीजिए, यहाँ पर 455,000 इज वॉट, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया और उसका सम कर दिया। बताइए, यस और नो? अच्छा जी ओके। उसके बाद दोबारा से शिफ्ट और 1 प्रेस किया और फिर से नंबर 3 सम में चले गए, अब एक सम आखिरी वेरीफाई करना बाकी है और उसको बोलेंगे हम समेशन वाई स्क्वायर नंबर 3 पर।
तो नंबर थ्री प्रेस करें और इक्वल टू प्रेस कर दें, आंसर आएगा 20,350। आंसर आना है 20,350। तो 20,350 इज व्हाट? 20,350 क्या है? सम ऑफ वाई स्क्वायर है। 20,350 सम ऑफ वाई स्क्वायर है, ठीक है? ऐसा ही है, ट्वेंटी थाउजेंड थ्री फिफ्टी सम ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसे ही बेटा। तो ये सारे सम्स आपको वेरीफाई हो जाएंगे, सबमिशन एक्स 1500 है, सबमिशन वाई 330 है, सबमिशन एक्स वाई 95,500 है, सबमिशन एक्स स्क्वायर 455,000 है, सबमिशन वाई स्क्वायर 20,350 है। बोलिए, ठीक है? तो इस तरह आप क्विक सम भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपका एग्जाम मैनुअल होता और डेटा दिया तो आप क्विक सम अपना वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन अभी मेन चीज़ क्या है, कैलकुलेटर तो आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है। अब देखिएगा भाई, सब साथ साथ रहिएगा, फिर मत बोलिएगा हम पीछे रह गए। अब क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, कर दिया सब लोगों ने, और साथ में वन प्रेस कर दिया, दोबारा क्या खुल गया बेटा, दोबारा क्या खुल गया, मेन्यू खुल गया, खुल गया मेन्यू बेटा, दोबारा मेन्यू खुल गया। जब दोबारा मेन्यू खुल गया तो मेन्यू खुलने के बाद आपने नंबर फाइव प्रेस करना है। नंबर फाइव इज व्हाट? रिग्रेशन। तो जैसे आप नंबर फाइव प्रेस करेंगे रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में आपको ऑप्शन नंबर वन में क्या मिल रहा है, ए, y इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, b मतलब स्लोप रेट ऑफ चेंज, जिसको बी एक्स के साथ अटैच करना है आपने, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो ये a की वैल्यू मिल जाएगी, ये b की वैल्यू मिल जाएगी, लाइन y1 x बन जाएगी। यानी अगर मैं वन प्रेस करता हूँ तो a की वैल्यू आती है 14.375, तो मैं यहीं पर ही लाइन ऑफ रिग्रेशन ड्राइव कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x क्या है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और सर कैलकुलेटर हमें a की वैल्यू क्या बता रहा है, कैलकुलेटर हमें a की वैल्यू 14.375 बता रहा है, तो a की जगह 14.375 रख दिया प्लस बी एक्स। अब देखते हैं b की वैल्यू क्या आती है, शिफ्ट वन, फिर मेन्यू आ गया, फाइव इज रिग्रेशन, और नंबर टू प्रेस करेंगे तो b स्लोप रेट ऑफ चेंज इन y, एस्टिमेटेड रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा 0.1625, 0.1625, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, b की जगह पे क्या रख दिया आपने, 0.1625x। तो इस तरह बड़ी आसानी से x और y के कॉलम को पुट करके आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन डायरेक्ट मिल गई, a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। यस और नो, बोलिए क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई है बेटा? हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता दिया। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू, सेल्स की कोई सी भी ऐसी वैल्यू पुट करें जो यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब यहाँ पे 250 नहीं है, तो यहाँ पर आप सेल्स की वैल्यू 250 पुट करके उस पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। समझ आई बात या नहीं?
सेल्स की वैल्यू 250 पुट करके आप उस पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यस और नो बताइए। क्या कहते हैं सब लोग? सही है, यहां तक बात क्लियर है सबको बेटा? बताइए, चलें ओके। अब मैं दोबारा जरा देखिएगा क्या करने जा रहा हूं। मैं शिफ्ट मैंने प्रेस किया, अब भी प्रेस करें शिफ्ट, और अब मैं वन प्रेस कर रहा हूं, मेन्यू दोबारा खुल गया आपके सामने, और इस मेन्यू में नंबर 5 रिग्रेशन में जा रहा हूँ, और रिग्रेशन में नंबर 3 पर मुझे आर दिख रहा है। आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जैसे मैंने 3 प्रेस किया, आर आ गया, इक्वल टू प्रेस किया, आर की वैल्यू आ गई, और आर की वैल्यू क्या आई है बेटा? 0.9799, 0.9799 ये आर की वैल्यू। Yes or no, बताइए। जिसको हमने कल कैलकुलेट किया था 0.98 बोलकर, ठीक है बताइए आप सब लोग। क्या आंसर आया बेटा? आ गया 0.9799 को राउंड करेंगे तो 0.98 ही बनना है ना, तो ये डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लूंगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर, जिसको बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और आप सब जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है वो इंटरप्रिटेशन है, किसकी? आर की, जिसके जरिए मैंने आर को इंटरप्रेट किया था। मैंने बोला सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये नहीं भूलना कि आर को इंटरप्रेट करने के लिए आर स्क्वायर इस्तेमाल होता है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 0.96 इंडिकेट्स दैट 96% वेरियंस इन एक्स या वेरियंस इन वाई इज ड्यू टू वेरियंस इन एक्स और वाइस वर्सा, रेस्ट 4% इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अननोन फैक्टर्स। बोलिए बताइए, ये सारी बात याद रहेगी? रिस्पॉन्स दीजिए। आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए होगा बेटा। जवाब दें आप सब लोग। याद रहेगा ऐसा कैलकुलेट करना? तो हम एग्जामिनेशन में अगर हमें कॉलम वाइज डेटा मिल जाता है तो हम टाइम जाया किए बगैर उसको डेटा में फीड कर देंगे और हम अपने आंसर क्विक निकाल लेंगे ताकि एग्जाम में हमारा टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। करेक्ट बेटा? रिस्पॉन्स करें प्लीज बेटा। आर स्क्वायर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर, लास्ट क्लास में समझाया था। The value, interpretation लिखी हुई है, the value of R square, जो कि 0.96 आई थी, indicates that 96% variance in Y is due to variance in X, मतलब Y में तब्दीली आने की 96% वजह X है, या X में तब्दीली आने की 96% वजह Y है, यानी दूसरे पे इतना interdependent है, और 4% वजह ना मालूम है। ना मालूम मतलब उसका कोई और factor होगा, वो 4% reason कोई और है, लेकिन वो unknown factors।
ठीक है। क्या कहते हैं बताइए।